गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आयुष मिश्रा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज का हमारा विषय है ई लर्निंग, द लेटर ई लर्निंग। द लेटर ई इन ई लर्निंग स्टैंड्स फॉर द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक, सो इट इज स्टेटेड एज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनेबल पीपल टू लर्न एनी टाइम एनीवेयर। ई लर्निंग की सहायता से आप कभी भी और कहीं पे भी अध्ययन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेरेक स्टॉकले, द डिलीवरी ऑफ लर्निंग ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो ई लर्निंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन इन सम वे टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, एजुकेशनल और लर्निंग। Now, what are the difference between traditional classroom and e-learning? तो traditional classroom में हमें एक जगह पर आकर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित जगह पर आकर हमें लर्निंग करनी होती है। बट e-learning में आप कभी भी और कहीं पे भी रहकर लर्निंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो कंटेंट है वो पावर पॉइंट के रूप में, ट्रांसपेरेंसीज, टेक्स्ट बुक्स और लाइब्रेरी में अवेलेबल हो सकते हैं। बट ई लर्निंग में जो है वो कंटेंट मल्टीमीडिया अप्रोच हम ले सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है, कंटेंट ऑन डिमांड अवेलेबल है और सिंक्रोनस और एसक्रोनस टाइप कम्युनिकेशन ई लर्निंग में संभव है। ई लर्निंग में जो लर्निंग पाथ है वो भी डिसाइड करता है, लर्नर डिसाइड करता है अपना लर्निंग पाथ और लर्निंग की स्पीड। वो एवरीथिंग डिसाइडेड बाय, डिटरमाइंड बाय लर्नर। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ई लर्निंग? ई लर्निंग इज डायनेमिक। टुडे इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट हेल्प्स इन अवेलिंग द ऑनलाइन एक्सपर्ट बेस्ट सोर्सेस and quick approaches in a single mouse click। e-learning की वजह से हम avail कर पाए हैं world के best expert और best sources को। तो e-learning is individual centered across the learner and personalized to individual। e-learning operates in real time, that is available for 24/7 days। Now, what are the strength of e-learning? The first strength is ability to offer education to a large number of students from distant location। सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उन तक भी हम education को provide करा पाए हैं just because of e-learning। दूसरी चीज, lower cost। ट्रेडिशनल क्लासरूम में कई सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जो ई लर्निंग में से खर्च होने से बच जाते हैं, जैसे ट्रैवल कॉस्ट है इत्यादि, इंस्ट्रक्टर की कॉस्ट है, कई सारी चीजें हैं जो ई लर्निंग में हम खर्चे उनके बच जाते हैं, तो कॉस्ट कम हो जाती है ई लर्निंग में। तीसरी चीज, शॉर्टर कोर्स मीन्स लेस टाइम कमिटमेंट नेसेसरी फ्रॉम कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स। ई लर्निंग के माध्यम से हम कई सारे शॉर्ट कोर्सेज भी हम अवेलेबल करा पाए हैं स्टूडेंट को, खासकर जो कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स हैं जिनके पास समय की कमी होती है और वो रेगुलर नहीं आ सकते हैं, तो वो ई लर्निंग के माध्यम से उन कोर्सेज को कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट मीन्स एजुकेशन इज मोर एक्सेसिबल टू पीपल विथ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जिनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उनको भी एक्सेस जो है, लर्निंग जो है वो, एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड करा पाए हैं। यूज बेस्ट इंस्ट्रक्चर मेकिंग बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल टू ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ ई लर्निंग। वीकनेसेस क्या है जो है ई लर्निंग के? द लार्ज कमिटमेंट टू टेक्नोलॉजी नीडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेशंस ऑफरिंग ई लर्निंग कोर्सेज।
ये पहले वीकनेस है, लार्ज कमिटमेंट टू टेक्नोलॉजी, जो कि कई बार अफोर्डेबल नहीं होती है, अवेलेबल नहीं हो पाती है। दूसरी चीज, लैक ऑफ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विथ स्टूडेंट। ई लर्निंग में एक बहुत बड़ा जो है वो इसका इसकी कमी है कि टीचर स्टूडेंट्स जो है फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता है। उसका कई उसके कई सारे नुकसान है, जैसे कि स्टूडेंट्स का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका डेवलपमेंट जब टीचर स्टूडेंट्स आमने सामने होते हैं तभी हो पाता है। नाउ करेंट टेक्नोलॉजी डज नॉट सपोर्ट लो कॉस्ट हाई बैंडविच सिंक्रोनस स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन। अपॉर्चुनिटीज क्या है ई लर्निंग की इन फ्यूचर? एबिलिटी टू रीच वर्ल्ड इंस्टेंटली विथ लेटेस्ट न्यूज एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू कोर्सेज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, एंड डिक्रीज लॉन्ग टर्म एजुकेशन एक्सपेंसेस बाय शिफ्टिंग लर्निंग प्रोग्राम्स टू द वेव। नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ ई लर्निंग? द फर्स्ट वन, लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट। इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स रिस्ट्रिक्ट एडॉप्टेशन ऑफ ई लर्निंग एंड लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन दैट आर द लर्निंग प्रोसेस। दीज आर द थ्रेट्स। सो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ ई लर्निंग क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।